गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, 5 मिनट से ज़्यादा आप लोग से नहीं लूँगा। प्लीज़ वीडियो को जो भी देख रहे हैं कम्प्लीट देखिएगा। हाँ, मैं सीधा दो इंसान से सवाल करता हूँ, एक हमारा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी एंड दूसरा हमारा IAS ऑफिसर तालो पुतुम जी, कैपिटल का DC डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ना सबसे पहले मैं पेमा खांडू साहब आपसे मैं सवाल करता हूँ, जब पेपर लीकेज हुआ है, आप खुद बोला था ना एक इंटरव्यू में पेपर लीकेज नहीं हुआ, पेपर सेलिंग किया गया है, तो आपको पेपर सेल करने वाले इंसान को पकड़ो, उसको अरेस्ट करो, तब तो आप अपना आर्मी का मतलब पुलिस का नंबर्स नहीं बढ़ा रहा, तब तो आप बोल रहा था पुलिस लोग का नंबर्स कम है। अभी क्या बनकोल डिक्लेयर किया तो इतना थाउजेंड ऑफ थाउजेंड पुलिस CRPF आप बुला रहा है, ये है आपका पावर, इतना घटिया पावर यूज करता है। ये लोकतंत्र है, यहाँ आपको लोगों का दिल पे बैठने के लिए काम करना चाहिए, ना कि आप लोग का ऊपर राज करने के लिए काम करते हैं। डियर पब्लिक, आप लोग अच्छा से सुन लो, हम लोग कोई क्राइम नहीं किया था, हम लोग को डिटेन करके पकड़ता है पुलिस भी, कहाँ रखेगा इन लोग का पास कितना जेल है और कितना ताना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 CRPF इन पुलिस आए हैं ना, हम लोग उससे ज़्यादा है कैपिटल में, याद रखो। सब लोग डरने का नहीं, आप नहीं लड़के नहीं जीत पाएगा ना, और कभी नहीं जीत पाएगा। हम लोग कुछ क्राइम किया ही नहीं तो ये लोग हम लोग को कहीं भी नहीं रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के बंद करके रखेगा, साथ साथ मत दो बंद करके, इतना ही सिर्फ कर सकते, इससे ज़्यादा ये लोग कुछ कर ही नहीं सकता है। स्पेशली हमारा दीदी बहन लोग ना, लेडीज लोग, लेडीज का मतलब CRPF या पुलिस इतना नहीं है, आप लोग जितना सकते हैं उतना करो, क्योंकि आप लोग को कोई भी उठा नहीं सकता है ना, लोग के हिसाब से आप लोग को ये लोग नहीं उठा सकते हैं। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है तालो पुतुम सर जी, अरे तालो पुतुम सर जी आप क्या हो गया, आपको आप खुद देखता है सोशल मीडिया में हर 2 दिन का बाद गली गली में चोर है, पेमा खांडू चोर है, ऐसे नाराबाजी लगता है क्या? आप भी ये चाहता है हर गली गली में चोर है, तालो पुतुम चोर है, ऐसे नाराबाजी लगो? प्लीज़ आप अपना जगह पर टिक टक रहिए ना। आप कानून दो तरफा क्यों कानून बनाते हैं? कभी आपका कानून जो है कि क्या है, आम ये लोग को जनता को परेशान करने के लिए हमेशा कानून बनाए, जो रास्ता में सब्जी दुकान बेचता है उसको आप उठा के फेंकता है, जो बेचारा हमारा लेजेंडरी अंति का बकरी को उठाता है, कभी JCP ड्राइवर को उठाता है, आपका कानून जो सिर्फ गरीब के लिए ही क्यों सख्त है, अमीर के लिए क्यों सख्त नहीं आपका कानून? हाँ बताओ, मैंने आपको पूछा तो था अरुणाचल में क्या गैम्बलिंग लीगल है या इलीगल है, आप उसका वो वीडियो अपना फेसबुक पेज में शेयर किया था, मैंने आपको शेयर करो बोल के वीडियो बनाया था क्या? मैंने आपको बोला था कि इलीगल है तो सबको बैन करो, आज तक बैन कर पाया है? इतना हमारा फेस्टिवल है, फेस्टिवल में चीज़ का दाम इतना बढ़ाता है, कैपिटल का मिनिस्टर आप है, आप बढ़ाता होगा दाम, वो लोग अपना मर्जी कैसे दाम बढ़ाएगा? कानून एक सबके लिए एक होता है, तो वो सबको देखो ना, आपको शर्म नहीं है? दो तरफा का कानून चलाता है, ऐसे कानून नहीं चलता है। माई डियर पब्लिक प्लीज़, ये लोग डिटेन करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन कहीं में रखेगा, चाहे वो जेल में रखेगा या बस में रखेगा मुझे पता नहीं, रखेगा, उसका अलावा वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग कोई क्राइम किया ही नहीं है ना, हम लोग को जिसमें हम लोग को सजा, इसलिए कोई डरने का नहीं है। अभी सुनने में हमारा हाउस होल्ड उनको अरेस्ट किया गया, उतार लिया गया और तना तमर अच्छी तना तमर को उतार लिया गया, उन लोगों को उतारने से भी आप लोग का सोच को कोई नहीं उतार सकेगा। आप लोग जो सोचते हैं ना उस हिसाब से अपना काम कीजिए, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ किसी का पावर किसी पे नहीं चलता है, यहाँ सब इक्वल है, एवरीवन हैज बीन इक्वल ना, लो भी यही कहता है। और हमें उठा के ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन रखेगा, घबराने का नहीं, 2-3 दिन आप सेक्रीफाई कर सकते हैं अपने। मैं ये बोलता हूँ कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा ये वीडियो बना के, या आप लोग भी ये जाके आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला कल 8-10 साल के अंदर अरुणाचल का भविष्य बहुत अच्छा में जाएगा, बहुत ऊपर में जाएगा। प्लीज डियर पब्लिक कॉर्पोरेट अस, हम लोग को मदद कीजिए जितना हो सकता है। अम्मा दीदी बहन आप लोग को मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना वॉल्यूम ऑफ नंबर आप लोग निकाल सकते हैं निकालो, आप लोग को वो लोग उठा नहीं पाएगा, लेडीज पुलिस लोग इतना नहीं है। प्लीज़ एवरीवन मैसेज को शेयर कीजिए पास के, डरने का नहीं, क्योंकि हम लोग क्राइम नहीं किया, गलत नहीं करे तो हम लोग क्यों डरेगा? डरेगा वो लोग जो लोग सोचता है कि जनता वो लोग का नौकर है, वो लोग डरेगा। थैंक यू सो मच।